विजय फोरम द्वारा सोलन में रफी नाइट गायन और नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। दो दिवसीय इस प्रतियोगिता का शुभारंभ वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने किया। गोविंद ठाकुर ने प्रतियोगिता का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर से आए तकरीबन 400 प्रतिभागी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। इस मौके पर वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि विजय फोरम संस्था पिछले कई वर्षों से हिमाचल में छुपी हुई प्रतिभाओं को निखारने का कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि संस्था के प्रयासों की वजह से आज कई कलाकार मुंबई तक अपनी छाप छोड़ चुके हैं। उन्होंने बताया कि इस तरीके से प्रतियोगिताएं आयोजित होती रहनी चाहिए ताकि कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने और उसे निखारने का मौका मिल सके। इस कार्यक्रम के आयोजकों को हार्दिक बधाई देता हूं कि रफी नाइट के नाम पर विजय फोरम द्वारा यह आयोजित किया जाता है और गत 8 वर्षों से आप इस प्रकार के बच्चों के यानी सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। और अभी मुझे आपने जानकारी यह दी है कि यहाँ से निकला एक बच्चा अंकुश भारद्वाज जो इंडियन आइडल में बॉम्बे पहुँच चुके हैं, तो इस तरह से ये लगता है कि पूरे उत्तर भारत के बच्चों की प्रतियोगिता होती है। और आज के इस कार्यक्रम में भी हिमाचल प्रदेश के तो हैं ही बच्चे आए हैं जो प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आए हैं, लेकिन पूरे उत्तर भारत के बच्चे आए हैं। अब इस प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों को अपनी प्रतिभा को निखारने का अच्छा अवसर मिलता है और इसलिए नए नए आयाम बच्चे अपने क्षेत्र में कर सकते हैं। सोलन से अमरप्रीत पुंज। यू आर वॉचिंग न्यूज इंडिया लाइव टीवी। सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस।